पुलिस हो गई है। अगर जांच होने लगे तो नीतीश कुमार की पूरी कैबिनेट मंत्री में से एक से लेकर विधायक तक सब लोग जेल में मिलेंगे। मधुबनी के बेहनीपट्टी इलाके में आरटीआई एक्टिविस्ट की कथित तौर पर अपहरण के बाद हत्या के मामले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बोला कि पहले लोग गोली मारकर भाग जाते थे, आजकल लोग गोली मारकर दोबारा देखे जाते हैं कि आदमी जिंदा है कि वो मर गया। वहीं नीतीश कुमार के सुशासन के राज में कितनी भारी अंतर आ गया ये भी देखें। कार्रवाई के नाम पर जो है हमने देखा है कि जो थाना प्रभारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है, लेकिन सवाल ये होता है, खड़ा होता है, जब खुल करके जो उनके परिजन हैं साफ तौर पे ये कह रही हैं कि इसमें लेसी सिंह का कराया गया है जो कि मंत्री, उनके भतीजे का किया हुआ है, तो आखिर अब तक सरकार में बैठे सरकार के मुखिया अभी तक अपना चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते? खबर जबलपुर से है जहां कृषि विभाग वैज्ञानिक